सो गाइस ये है अपनी बाइक भाई। 15 दिन से ये ऐसी की ऐसी खड़ी है, बिल्कुल भी भाई ने चलाई नहीं है भाई। कितना ज़्यादा मिस करा मैंने इसको, कितना सुकून मिल रहा है इसको देख के ना। मुझे पता चला कि भाई बाइक का इंपॉर्टेंस होता है राइडर्स के लिए। सही में मेरे को बाइक से इतना ज़्यादा प्यार है ना। अब यूट्यूब पे मैंने इतना कर ही लिया तो अपना भाई मोनेटाइज भी हो चुका है। कब का 2-3-4 महीने हो गए मोनेटाइज हुए और भाई वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो इसलिए यार मेहनत तो करना पड़ेगा कि यार जल्दी YouTube पेमेंट आए फर्स्ट अपनी। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब अपनी YouTube पेमेंट आएगी ना तो व्लॉग भी बनाऊंगा मैं जल्दी। फिलहाल तो यार अब मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो बातचीत करते करते मैं कितना आगे आ गया बताए। मैंने बोला कि एक राउंड मारूंगा थोड़ा सा और देखो भाई ऐसे ही थॉटल देते देते भाई कितना आगे आ गया मैं। आज पता चला भाई कैसा फील होता अपनी बाइक चलाने के बाद ना, खुशी इतनी ज़्यादा आती है भाई। सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू देन अदर ब्लॉग। सो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया होनी चाहिए। सो गाइज आज की ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से अभी 6 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ और आप ये लोकेशन देख सकते हो भाई, मैं आ चुका हूँ चंडीगढ़। सो गाइज मैं चंडीगढ़ आ गया था परसों शाम को मुंबई से और आजकल आप मुंबई के ब्लॉग्स देख रहे होंगे बट मुझे पता है कि भाई आजकल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा लाइफ में। वीडियोज़ भी काफ़ी रीच डाउन हो गई मेरी ब्लॉग की। तो यार अब क्या करें यार, मेहनत करनी पड़ेगी। डेली ब्लॉग लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉर्निंग के टाइम पे मैंने अपनी बाइक देखी तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी। इस ब्लॉग में मैं क्लिप डाल दूँगा, इतनी गंदी हो गई खतरनाक वाली। दो आपको दिखाता हूँ नीचे जाके। और गाइस कम से कम हो गए 15 दिन इसको और 15 दिन से मैं कहाँ गायब था आपको बता दिया। वैसे मैंने मुंबई जा रखा था मैं, गाइस मुंबई में मेरा कुछ काम था पर्सनली तो इसलिए मैं मुंबई गया और अभी चंडीगढ़ आ चुका हूँ मैं। तो भाई अब बाइक के बिना ना मुझे पता है कि भाई कैसा फील हुआ मेरे को। मैं इस वाले ब्लॉग में गाइस सिर्फ ये कंटेंट होने वाला है कि एक बाइकर राइडर्स के लिए उसकी बाइक कितनी कीमती होती है। तो मुंबई में अपने पास बाइक नहीं थी तो इसलिए यार बहुत ही 15 दिन कैसे गए मुझे पता है गाइस। और बाकी ये है अपनी बीस्ट, सामने देख सकते हो ज़्यादा गंदी हो रही है। और भाई ने वॉश कराई थी लास्ट टाइम पे जब मैं गांव से आया था भाई। 15 दिन से ये ऐसी की ऐसी खड़ी है, बिल्कुल भी भाई ने चलाई नहीं है। देख रहे धूल मिट्टी कितनी ज़्यादा लग गई इस पर। अभी सबसे पहले मेरे को वॉश करानी पड़ेगी, पर्दा उठा दे फिर भाई। भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कसम से अपनी बाइक को देख के। देख रहे हो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई थी यार ये। सारा कपड़ा हटा देता हूँ, कितनी धूल मिट्टी लग रखी है भाई इस पर। देख रहे हो आप, ये चेक करना भाई पहले। सबसे पहले धोना पड़ेगा इस कवर को। सो गाइस ये है अपनी बाइक, देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा मिस करा मैंने इसको। देख रहे हो भाई कितना सुकून मिल रहा है इसको देख के ना। सो गाइस अभी कोल्ड स्टार्ट करके देखते हैं होती कि नहीं होती स्टार्ट। 15 दिन से ऐसे कैसे खड़ी है ना, तो स्टार्ट करके देखते पहले। सो गाइस सिलेंडर मैंने कब का हटा दिया था और अभी अंडर वैली एक्सॉस्ट है तो साउंड सुन सकते हो आप। यार काफ़ी स्मूथ है और इसलिए मैंने एग्जॉस्ट हटा दिया था, आपको पता ही होगा। पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गई है तो बाकी आप देख सकते हो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आपको दिखाता हूँ कि वॉश करने के बाद कितनी प्यारी लग रही है वॉश करने के बाद। और ये चीज़ देख सकते हो तोड़ दिया था किसी ने, पता नहीं यार उल्टे काम तो रहते ही हैं लोगों के ना। और बाकी गाइस आपको एक छोटी सी लोकेशन पर जाता हूँ ऐसी, और कंटेंट तो बनाना ही है भाई कुछ ना कुछ। तो इसलिए यार निकलता तुम्हारा भाई अभी। इस ये है अपनी बीस्ट, देख रहे हो वॉशिंग कराने के बाद अभी अच्छे से लोकेशन में जाता हूँ। सो गाइस ये है अपनी बाइक, कोल्ड स्टार्ट हो गई है। अभी फ्यूल भी देख सकते हो, फ्यूल अभी 3 डंडी है। तो जब लास्ट टाइम मैंने क्या बोलते है देखा था तो 2 डंडी थी भाई ने वो शायद फ्यूल अप कराया। सो गाइस मॉर्निंग के अभी देख रहे हो सुबह सुबह निकल चुका हूँ मैं एक प्यारा सा ब्लॉग बनाने के लिए। इसको देखा ना भाई ऐसा सुकून से मिला, एक राइडर्स को ना जब अपनी बाइक देखते ना तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है लिटरली में। आज पता चला मेरे को कि क्या कीमती होती है बाइक्स यार राइडर्स के लिए। तो सूर्य देवता भी हमारे आ चुके हैं तो मैंने कहा यार बाद में गर्मी होती है तो एक छोटा सा ब्लॉग बनाने के लिए मैं निकल जाता हूँ और एक प्यारा सा कंटेंट। क्या करें यार अब वीडियो तो बनानी पड़े। अब यूट्यूब पर मैंने इतना कर ही लिया तो अपना भाई मोनेटाइज भी हो चुका है। कब का 2-3 महीने हो चुके, 3-4 महीने हो गए मोनेटाइज हुए और भाई वीडियोस बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो इसलिए यार मेहनत तो करना पड़ेगा कि यार जल्दी यूट्यूब पेमेंट आए फर्स्ट अपनी। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब अपनी यूट्यूब पेमेंट आएगी ना तो व्लॉग भी बनाऊंगा मैं जल्दी। फिलहाल तो यार अब मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो कभी कभी चलान भी आ जाता है यहाँ पर, आप हेलमेट पहन के चलाना यहाँ पर बाइक, क्योंकि कभी भी आपका चलान आ सकता है। यार जब अपनी बाइक मैंने 15-20 दिन के बाद चलाई ना तो अच्छा लगा।
2-3 महीने से ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना, प्लेटलेट्स कम हो रही थी बार बार, क्योंकि यार गाइस क्या हो रहा था कि जैसे मैं ठीक हो रहा था उसके बाद मैं ब्लॉग बनाने के लिए निकल जा रहा था, तो क्या करे यार, एक ब्लॉगर को ना निकलना पड़ता है भाई अपनी वीडियोस के लिए, तो बट क्या करे गाइस, 3 महीने से मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं था अपनी वीडियोस पे, मतलब कि अपनी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, बस शॉर्ट्स डाल रहा था मैं कभी एक हफ्ते में एक दिन, तो बाकी यार वही है ना कि भाई सबसे पहले अपनी तबीयत का ध्यान देना चाहिए। तो मैंने जॉब भी छोड़ दी थी बिकॉज यार काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई थी, तो इसलिए यार कंपनी ने कहा कि यार आप रिज़ाइन दे दो, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने रिज़ाइन दे दिया कंपनी से। और फिर मैं मुंबई चला गया था 10-15 दिन के लिए, काम था मेरे को कुछ, तो जय श्री राम जय माता दी। मतलब कि मॉर्निंग के टाइम पे ना काफ़ी अच्छा लगता है मौसम, बाकी यार वो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना भाई, उसके बाद 10 बजे के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, लिटरली में बहुत बुरा हाल है भाई, सब जगह यही हाल है, बारिश हो रही है। मुंबई चला गया था मैं 1 तारीख को, और परसों आया मैं चंडीगढ़ में। मुंबई के ब्लॉग्स आप देख रहे होंगे, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी पड़ेगी अपने ब्लॉग में, स्टार्टिंग से मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ तो भाई आप वही चीज़ दिखानी पड़ेगी, बट कोई नहीं गाइस, जो मन करे आप वीडियो दिखाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ, संडे राइड नहीं है ये, ऐसे ही रैंडमली मैं जा रहा हूँ कि ऐसे ही बस दिल कर रहा था चलाने का बाइक, बाकी यार निकल चुका हूँ मैं, तो वॉश कराने के बाद दिखा देता हूँ आपको, मैं एक जगह पर रुक के दिखाता हूँ मैं आपको एक बार कि कैसे लग रही है अपनी बीस्ट वॉशिंग कराने के बाद, तो यहाँ पे रोक देता हूँ मैं। तो गाइस ये है अपनी बीस्ट, और वॉशिंग कराने के बाद ना कुछ इस तरह की लग रही है, काफ़ी बॉम लग रही है, तो आप देख सकते हो ये देखो भाई। मुझे पता चला कि भाई बाइक का क्या इंपॉर्टेंस होता है राइडर्स के लिए, सही में मेरे को बाइक से इतना ज़्यादा प्यार है ना, कब मेहनत से कोई बंदा लेता है और अपनी बाइक से प्यार ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि ऐसा दिल लग गया ना इस पर भाई। जॉब का सीन भी है, जॉब भी करना पड़ेगा भाई, क्या करिए अब डबल मेहनत वही करनी पड़ेगी। सबसे पहले मेरा अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज़ यार मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है, मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता अपनी, और पैसे यार इन्जॉय करना बाकी, कुछ भी अच्छा नहीं चला यार लाइफ में इस साल ना, मेरा 3-4 महीने से ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था, अच्छा खासा मोनेटाइज हो गया था, अच्छी खासी रीच आ रही थी अपने चैनल पे, तो पता नहीं यार भाई होती है ना किसी की नज़र लग जाती है, तो वही चीज़ है ये देख सकते हो मुंबई में भाई ऐसी सुबह के टाइम पे ना ऐसी वाइब्स नहीं है बिल्कुल भी, जहाँ भी हम फ्लैट दे रखे ना भाई ने वहाँ से घुटन सी हो रही थी पता है उस एरिया में, इसलिए यार मैंने कहा यार इससे अच्छा तो पंचकूला सही है, थोड़ा खुला एरिया है, आगे सोलन शिमला की साइड जाओगे तो वहाँ पर राइड करने के लिए बढ़िया है, तो इसलिए यार अब काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से अपने दोस्तों से भी नहीं मिला, तो संडे राइड को देखेंगे यार, संडे राइड को काफ़ी दोस्त मिलेंगे तो उसमें आपको संडे राइड भी दिखाएंगे। तो बाकी गाइस एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि मैंने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया, सो देख सकते हो ASB मोटो ब्लॉगर था, अब मैंने आशीष बिस्ट ब्लॉग कर दिया, ब्लॉग्स कर दिया, तो इंस्टाग्राम पे भी 10K फॉलोअर्स हो गए थे कब के, फोकस करना पड़ेगा भाई दोनों चीज़ों पे, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, बस अब दोबारा एक्टिव होना पड़ेगा। और गाइस एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये भाई शांति देख रहे हो आप ये शांति कसम से भाई सुकून मिल रहा है, बिकॉज यार मैंने एग्जॉस्ट लगा रखा था पहले, तो एग्जॉस्ट लगाने के बाद ना भाई इतनी ज़्यादा परेशान हो गया था ना, मेरे कान दर्द होने लग जाते। सो गाइस 20 बाइक की एवरेज दे रही थी अपनी बाइक जब एग्जॉस्ट लगाया था मैंने, तो इसलिए यार एग्जॉस्ट मैंने निकाल दिया और ठीक है एवरेज ठीक है लॉन्ग। अभी मैं गाँव गया था तो गाँव में मैंने कहीं गया नहीं बिकॉज तबीयत ख़राब थी, 1-2 वीडियोस बनाई थी मैंने साथी में गया था, तो उसके बाद साथी के बाद मैं बीमार कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो इसलिए यार गाइस इसलिए मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए गांव के, तो यार यही सीन था भाई। अब तो दिल कर रहा है कि सुपर बाइक लेने का कसम से यार, 200 CC बहुत चला ली मैंने, अब मन कर रहा है कि भाई अब सुपर बाइक आ जाए ना तो कसम से यार। सो गाइस यार बस अपनी ड्रीम, मेरी ड्रीम है यार सुपर बाइक, यार G900 ZX10 और भाई ये दोनों बाइक्स मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है ना, कसम से यार भगवान से यही दुआ करता हूँ कि कब अपने पास आएगी वो बाइक्स, तो यार काफ़ी मतलब जिस दिन अगर वो बाइक आ गई ना कसम से भाई अपना ड्रीम पूरा हो जाएगा, मेरा ड्रीम है यार सुपर बाइक लेना, और क्या करें कैसे ले यार, ये भी बड़ी मुश्किल से ले रही, अब वो भी मेरे को लग रहा बड़ी मुश्किल से लेनी पड़ेगी, अपनी YouTube से पेमेंट आ जाए ना फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर से जॉब करने की कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बस
बस कंटेंट, बस कंटेंट बनाने के लिए निकलना पड़ेगा बाहर की तरफ, तो वही है सीन, यही है ना गाइस। अब पेमेंट ही नहीं आ रही यूट्यूब से तो फिर अजीब से तो लगता ही है भाई। और भाई यहाँ पे ना एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है भाई सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, भाई कितनी प्यारी वाइब्स आ रही है। हाँ यही तो चाहिए भाई, काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है और इसी मौसम में देख रहे हो, तभी मेरे को पता था भाई मॉर्निंग के टाइम पे ठीक रहता मौसम, उसके बाद ना भीड़ बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, इतनी ज़्यादा धूप रहती है ना। ओ भाई मेरे भाई अल्लाह की मजा आता है कसम से इसको चलाने के बाद ना। बातचीत करते करते मैं कितना आगे आ गया पता है, मैंने बोला कि एक राउंड मारूंगा थोड़ा सा, और देखो भाई ऐसे ही थॉटल देते देते भाई कितना आगे आ गया मैं। आज पता चला भाई कैसा फील होता है अपनी बाइक चलाने के बाद ना, भाई खुशी इतनी ज़्यादा आती है भाई, और राइडर्स को पता होता भाई कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है भाई जब अपनी बाइक चलाता है बंदा। जिन्होंने फॉलो नहीं करा होगा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना आंसू विश राइडर करके, तो इंस्टाग्राम की भी आईडी मेंशन कर दूंगा, जाके फॉलो करो यार भाई। 10K करवा दिया तो 20K भी करवा दो जल्दी से यार। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन चल रही थी मेरी हालत की, हेल्थ के बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था लाइफ में सही बोलूँ तो इसलिए अब तुम्हारा भाई एकदम परफेक्ट हो गया, पहले से बेटर ही हो गया, बाद अब देन अब अपनी पोजीशन पे आ गया फिर से मैं। तो बाकी गाइस यार यही थी वीडियो और एक छोटा सा ब्लॉग बनाने के लिए निकला था मैं। तो भाई स्टार्टिंग से अकेले से मैं राइड करता और अभी भी अकेले कर रहा हूँ, कभी कभी दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ मैं, बट ज़्यादा करके मैं राइड अकेले करता हूँ, आपको पता ही होगा जो स्टार्टिंग से देख रहा होगा भाई लोग मेरे को। यही थी आज की वीडियो और बस अब यहाँ से अपना घर भी आ जाएगा, ये अब फ्लाईओवर देख सकते हो, फ्लाईओवर से मैं राइट लूँगा। तो बाकी गाइस यही थी वीडियो आज की, और कैसा लगा ब्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, और जो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।